प्रदेश के घोसी विधानसभा सीट पर बीजेपी की हार के बाद समाजवादी पार्टी ओपी राजभर को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। घोसी की हार के लिए लगातार ओपी राजभर को ही जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। ऐसे में ओम प्रकाश राजभर अब इससे नाराज हो गए हैं, लिहाजा राजभर ने इस हार के बाद एक बड़ा कदम उठाने का फैसला लिया है। दरअसल घोसी का उपचुनाव हारने के बाद जिस तरह से राजभर पर जिम्मेदारी का ठीकरा फोड़ा गया, उसके बाद से राजभर बीजेपी पर नाराज बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि वो जल्द ही इस सिलसिले में बीजेपी की टॉप लीडरशिप से भी मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात रख सकते हैं। वैसे घोसी में हार के बाद राजभर लगातार सपा के निशाने पर हैं, वहीं एनडीए की सहयोगी निषाद पार्टी ने भी उनके बड़बोलेपन पर सवाल उठा दिए थे। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी मंत्री बनाए जाने को लेकर उन पर लगातार तंज कस रही है। आपको बता दें कि घोसी उपचुनाव में बीजेपी की हार के बावजूद राजभर को अब भी मंत्री पद मिलने की आस है। विरोधियों को जवाब देते हुए उन्होंने कहा था कि वो मंत्री जरूर बनेंगे। एनडीए के मालिक पीएम नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा हैं, ना कि विरोधी दल। घोसी उपचुनाव को लोकसभा चुनाव 2024 से पहले एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन के लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा था। ओम प्रकाश राजभर ने इसे जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। वो कई दिनों तक परिवार के साथ यहाँ डेरा जमाए रहे। इस दौरान उन्होंने गांव-गांव जाकर चुनाव प्रचार किया। यही वजह है कि जब सपा यहां से जीती तो राजभर सबके निशाने पर आ गए।